सो गाइज, मैं आज जा रहा हूँ बहुत दिनों बाद अयोध्या, और अयोध्या से जाऊँगा मैं बनारस। लेकिन पहले चलते हैं अयोध्या की तरफ, और मैं तैयार हो गया हूँ। मेरी ट्रेन है 9 बजे की गाज़ियाबाद से, तो अब आपको स्टेशन पे मिलते हैं। तो गाइज, मैं पहुंच गया हूं अयोध्या, और सबसे पहली जगह जो मैं आया हूं अयोध्या में वो है राम की पैड़ी। यहां हाथ मुंह धोएंगे, फिर चलेंगे हनुमान गढ़ी की तरफ। लेकिन आपको मैं एक बार यहां का व्यू दिखाता हूं, यहां के घाट दिखाता हूं, कितना खूबसूरत, कितना साफ़ सुथरा है। अभी सुबह का टाइम, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। हो सकता है शाम को यहाँ आरती वगैरह होती हो तो ज़्यादा भीड़ हो, पर अभी ये बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है मेरे अलावा, तो ये अच्छा टाइम है फिर देखने का। तो मैं हूँ अभी राम की पैड़ी पे, अयोध्या की सबसे फेमस जगहों में से एक। यहाँ पे कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी तीर्थ पे जा रहे थे तो उससे पहले राम जी उन्हें यहाँ लाए थे, और उन्होंने कहा था कि तीर्थ पे जाने से पहले यहाँ पे स्नान करना, सरयू जी में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो उनसे भूल चुक में पाप हुए हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने दिन की शुरुआत पहले पापों को मिटा के करी है, और अभी मैं यहीं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा व्यू है, सबसे साफ सुथरा ये घाट है। हाँ, एक चीज़ है, बंदर यहाँ बहुत हैं, तो संभल के रहिएगा। फ़ोन छीन लेते हैं, फल छीन लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान कुछ भी छीन लेते हैं। और अभी यहाँ भीड़ बहुत कम है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तो अभी मैं यहीं हूँ और कुछ देर यहीं रहूँगा, फिर यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सोचा आपको यहाँ की कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, और थोड़ा सा और व्यू दिखा दूँ यहाँ का। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है अयोध्या में, और मुझे अब तक तो काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हनुमानगढ़ी, और ये 70 सीढ़ी चढ़कर आप ऊपर मंदिर तक पहुँच सकते हैं, और प्रसाद के लिए और जूतों चप्पलों के लिए यहाँ नीचे आप जमा कर सकते हैं दुकानों पे। ये मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य है दोस्तों। ये मेरे पीछे हनुमानगढ़ी का मंदिर है। माना जाता है रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रामलला की जन्मभूमि पे, और यहाँ पे मोबाइल वगैरह अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन शॉप्स वगैरह पे लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे आप जमा करा सकते हैं। ये आखिरी पॉइंट था, यहाँ से मोबाइल वगैरह कुछ अलाउ नहीं था मंदिर के अंदर ले जाने के लिए। तो मैंने मोबाइल यहीं पर अपना जमा करा के मंदिर की ओर मैं बढ़ चला। ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये मंदिर की ओर जाता है और ये मंदिर का गेट है। अंदर आपको रामलला की मूर्तियाँ लक्ष्मण भैया के साथ और हनुमान जी के साथ मिलेंगी, माता सीता के साथ, और जो मंदिर बन रहा है आप उसको भी देख सकते हैं। और जो खुदाई के समय राम जी के पुराने मंदिरों के अवशेष मिले हैं वहाँ पे, वो भी रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी मेरा बहुत अच्छा एक सौभाग्य मैं कहूँगा था, जो मैं रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कर पाया। और आप भी जाएँ यहाँ पर और ज़रूर दर्शन करें। जय श्री राम।